माइक पर है पांडे 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 पूरी तरह से चूके पांडे। दो ओवरों का पावर प्ले चल रहा है इस समय। अरुण एक बार फिर से तैयार है, सामने होंगे पांडे और आने लगती है पुष्पिंदर दुबे, अभी ओपनिंग पर है। ओके ओपनिंग नहीं है अरुण, वन डाउन। अंपायर के इशारे का इंतजार करते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से अंपायर को पार करते हुए सामना करेंगे पुष्पेंद्र। कट करके अपना खाता खोल लिया है, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन मुस्तैदी के साथ चुरा लिया है और अपने टीम के स्कोर को सुरेंद्र 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 का सामना करेंगे पुष्पेंद्र। सुरेंद्र के लिए अगली गेंद और पूरी तरह से चूके, काफी अच्छी गेंद सुरेंद्र की, कुछ समझ नहीं पाए। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरे ओवर की ये दूसरी गेंद, सामने होंगे पुष्पेंद्र और ये स्वीप कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए। इस तरह करने के लिए सामने सामना करेंगे अरुण का और ये फील्ड मोहित के द्वारा अच्छी फील्डिंग, रनों की संभावनाओं को खत्म किया, बढ़िया फील्डिंग मोहित के द्वारा, मोहित के द्वारा निश्चित रूप से अपनी टीम के चार रन बचाए हैं। मोहित अभी वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ओके अरुण की अगली गेंद पुष्पेंद्र के लिए, बढ़ कर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद वहीं पर ज्यादा दूर नहीं जा पाई, कीपर द्वारा फील्ड कर लिया गया है। अरुण के वापस हाथ में, अरुण एक बार फिर से तैयार है, स्टेट लेवल के खिलाड़ी है अरुण, सामने होंगे पुष्पेंद्र और उठाकर खेला गया साथ, छह रन छक्का पाया और चार रन में तब्दील हो गया है या साथ चार रन गया भाई, चार रन के पीछे इससे प्यार मिला। गेंद हवा में थी, कैच की संभावना थी, सफलता दिला सकते थे लेकिन चूके। और पुष्पेंद्र ने, सुरेंद्र एक बार फिर से तैयार है बॉलिंग मार्ग पर अपने, सामने होंगे पुष्पेंद्र, चूके पूरी तरह से, माइक का इशारा आ रहा है अंपायर के द्वारा, एक और अतिरिक्त रन, इस अतिरिक्त रन के सहारे 38 रन पर पहुंचा मीनागंज बी टीम। सुरेंद्र की अगली गेंद, सामने होंगे पुष्पेंद्र, उठा छह रन बहुत ही शानदार, छह रनों के लिए आराम से डालना करा।